पहुंचे हुए हैं हम पनियावा क्षेत्र के बाईपास। लोगों का पुल जानना चाहेंगे कि देखा जाए यहाँ पे वोट बैंक किसका है और किसको लोग सांसद बनाना चाहते हैं, किसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना चाहते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जानकारी लेंगे। चाचा सबसे पहले बताएं कि वोट के दोगे बा? वोट भैया देखिए विकास, ये हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। कौन विकास किया? हम लोग के यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। तो कोई विकास करने के लिए आश्वासन दिया है आपको? आश्वासन तो हमको भाजपा देती है। भाजपा देती है, भाजपा को आश्वासन देती है कि हम हर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। भाजपा को तो वोट देना है फिर? वोट तो हमको देना ही है, हम लोग आशा लगाया है तो विश्वास है कि वो काम करेगा। आज तक हम लोग को विश्वास है, 10 साल से भी काम नहीं हो रहा है फिर विश्वास है? क्या काम हुआ हम लोग का जैसे पहले था 10 साल पहले, वैसे आज भी 10 है तो फिर कहे उम्मीद है? भी हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि एक बार और जिता कर देखें कि कहीं हो जाए कुछ ना कुछ। नगर से किसको फिर जिताना चाहेंगे? वही है हम लोग का, मतलब भाजपा के ही देख हाँ, देना चाहे कुशीनगर में कोई आए। हाँ, भाजपा को हम लोग को बस मोदी देखना है, मोदी देखना है। हाँ, चाहे तो विकास हो या ना हो, विकास हो या ना हो, ना हो। हाँ, अच्छा बड़ी बढ़िया सोच है भैया का। पहले भी नहीं हुआ है, 10 साल तक हम लोग बना के भेजे लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। आज ये रोड भी बना, वो भी नल लाग जैसे बना। दिखाइए रोड को, दिखाइए कितना चमचमाती रोड है भैया, कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है। आइए फिर भी की आज भी बारिश आ जाए तो रोड पे पानी रहेगा, नाली में पानी नहीं जाएगा। दर्शक को समझ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा देंगे? नो नहीं, हम लोग क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, जितना अच्छा काम चल रहा है ये तो भाजपा के कार्यकाल में बन रहा है। भाजपा को ही आप बोल रहे हैं कि रोड पानी लगेगा? हाँ, तो काम तो ऐसा ठीक नहीं है तो फिर रोड कैसे देंगे? फिर भी हम लोग देख रहे हैं ना कहीं से सुधार करवा। अच्छा, हो सकता है कि अभी कहीं आगे भी सुधार हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा बातें करते हैं। ये छिटौनी नगर पंचायत है। हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें कमी नहीं है। ये अच्छा बातें करते हैं, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि विकास हो या ना हो मुझे भाजपा को ही चुनना है। बाकी यहीं पे चाचा हैं और अपने ये बताएंगे कि क्या सोचते हैं। चाचा, कौन साल बाद भाजपा के सरकार देखा था? नहीं, कई साल से देखा था नहीं। कई साल से? हाँ। कौन साल के बानी? अरे हम मान लो 50 साल के। 50 साल? ओकरा पहले सरकार के कर रहे? बहुत जने के भइल, एचएलएस के भइल, मियाती के भइल, और इंदिरा जी रहली है ना। तुम्हें से केकर सबसे बढ़िया काम लागत रहे? सबसे सब बढ़िया मोदी जी है। मोदी जी? ती मोदी जी कब से अइले हन? अब से ही नहीं बस कितना को साल से हो। मोदी जी का काम काय अच्छा लागत आपके? बहुत से काम अच्छा लागता है। भैया तो बोल रहे थे काम ना हो रहा है कुछ। बहुत, हाँ 10 साल पहले बोलिए, 10 साल पहले क्या हुआ था, आज क्या अंतर है कुछ ही बताइए। अंतर तो है ही है, जिसका पास है सब कुछ है उसको आवास है, जिसका नहीं कुछ है उसको मरई है। ये चाचा बातों बातों में मुहावरों में कुछ बोल दिए हैं, आप लोग समझिएगा, फिर वीडियो को दोबारा चला कर देखिएगा समझ में आएगा। यहाँ पे वोट किसका दिख रहा है सबसे ज्यादा, वोट किसका है? अभी तो तक तो भाजपा का ही वोट दिख रहा है। तो भाजपा विकास कर रही है ना? भाजपा विकास नहीं करी अभी तक, कोई बहाली नहीं किया, रोजगार नहीं मिला। हाँ, अभी तक मान लीजिए कोई बहाली, रोड तो अच्छा बन रहा है शायद। रोड बनने से नहीं ना आदमी को भोजन मिलेगा। हाँ, शिक्षा देने से आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब की बार किसको चुनना चाहिए? अब देखिए किसको देखिए। अच्छा, चेंज करना चाहिए कि? बिल्कुल चेंज करना चाहिए बिल्कुल। कहे कि 10 साल में कुछ विकास नहीं कुछ हुआ? नहीं, विकास जो हुआ विकास से मतलब नहीं, हमको रोजगार से मतलब। रोजगार से मतलब देख सकते हैं कुछ लोगों का चढ़ाव ऊपर है और नीचे है, सब लोग सोच रहे हैं, अलग अलग विचार है। आप तो यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा चला रहे होंगे तो आपको तो बहुत कुछ नहीं रहता होगा, लेकिन यहाँ पे दो लोग दाढ़ी बनवाने आते होंगे तो उनका क्या विचार रहता है, क्या सोच रहता है कि मतलब किसको वोट देना चाहिए? मैंने आप भी जो भी हैं यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे तो पता चल ही जाता होगा। टेम्पो चालक ड्राइवर है, पहले से भी तो हम इस समय ठीक ही देख रहे हैं, पहले से अच्छा है ना। तो लोग कह रहे हैं महंगाई है, तो आपका क्या सोच है? महंगाई क्या है, कौन आएगा कि सस्ता हो जाएगा, फ्री के मिलेगा? फ्री का तो राशन मिल ही रहा है, तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा मिलेगा तो मिलेगा? हो सकता है जैसे राशन कोई सोचा था फ्री हो जाएगा? कुछ नहीं, मोदी जी के देन है, दे रहे हैं, दे रहे हैं भाई। लेकिन नौकरी नहीं चाहिए बच्चों को? आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, नौकरी का भी? नौकरी तो चाहिए भाई, नौकरी चाहिए ना। तो फिर सरकार तो ऐसा नौकरी तो नहीं दे रही है, 10 साल से हो गया।
नहीं दे रही है, अगर जो हमारा बच्चा नहीं पढ़ा है तो कहाँ से नौकरी मिलेगा। कुछ लोग बता रहे थे कि नौकरी सरकार नहीं दे रही है, तो आपका तो अच्छी बात है कि भाई आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा तो नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारे गांव में दो चार बच्चे पढ़े हैं, उन लोग को नौकरी मिला है, मिल गया है, तो ये भी बात सही है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। आइए या और भी लोग हैं यहाँ बात करते हैं, कुछ लोग भाजपा के तरफ हैं तो कुछ लोग भाजपा से नाराज भी दिख रहे हैं, क्योंकि विकास इतना दिन हुआ फिर भी विकास नहीं लोगों को दिख रहा है, केवल रोड पे देखने से विकास विकास नहीं होता है।